कोटा दशहरे मेले में एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और मामला अब एसीबी तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवाल का और कांग्रेसी पार्षदों ने आज एसीबी कार्यालय पहुंचकर मेले में दुकान आवंटन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। पार्षदों ने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील को लिखित शिकायत देकर मेला समिति की भूमिका की जाँच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकारी दुकानें हैं, सरकारी मेला है, किसी के घर का मेला नहीं है और ये बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और आज हम सभी कांग्रेस के पार्षदों ने रीजनल एसपी साहब को शिकायत दी है, उन्होंने अभी मुकदमा दर्ज करने के लिए अनुशंसा भी एसपी साहब को कर दी है, इसके सबूत भी हम लोग जुटा रहे हैं। एक एक दुकानदार से हमारी बातचीत हो चुकी है, कई दुकानदारों ने ये स्वीकार कर लिया है, उन्होंने हमें नाम भी बता दिए हैं कि हमने किस किस से खरीदी है। वो सब इन जो मेला समिति के अध्यक्ष हैं और इनके साथी हैं, उन्हीं के एजेंट हैं और उन सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, नाम भी बता दिए। बहुत जल्दी एडिशनल एसपी साहब ने हमें बता दिया है, सारे सबूत इनको ला के इकट्ठा करके देंगे और इनको बेनकाब करेंगे। पिछली बार नीलामी के आधार पर एक झूले वाले को 900 वर्ग फीट जमीन मेला समिति ने दी थी, उसकी रेट थी 102 रुपये प्रति वर्ग फुट। अब के इन्होंने अपने चहेतों को जमीन बढ़ाने के लिए उस जमीन में से 400 वर्ग फुट की कटौती कर 32 रुपये वर्ग फुट में चार झूले वालों को आपस में आवंटित कर दी। इससे नगर निगम में वित्तीय अनियमितताएं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और अपने चहेतों को बंदर बांट कर दिए। तो हमने ये प्रकरण भी एसीडी में दर्ज कराया, एसपी साहब ने चंद्र सिंह जी ने इसको एपिसोड किया और उन्होंने अनुशंसा की है कि आप मुझे में इसके प्रूफ दो, तो प्रूफ तो सारे वो रसीदों वगैरह में हैं, हम उनकी कोशिश कर रहे हैं और इनको बेनकाब करेंगे। इस प्रकार का भ्रष्टाचार नगर निगम में न तो करने देंगे और न होने देंगे।